रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तुमने साहस कैसे किया? शिशुपाल छेड़ी जैसे बड़े राज का युवराज और बालकृष्ण ना तो किसी राज का राजा है और ना ही कोई राजपुत्र, ना तो उसके पास बल है और ना ही साहस। इसलिए तो मगध नरेश की सेना को देखकर भाग खड़ा हुआ। ऐसे भगौड़े के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं कर सकता। जो मगध नरेश का शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। परंतु भैया, यह हमारा पारिवारिक विषय है। महाराज जरासंध को इसमें कुछ भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पलवान को किसी के भी बीच बोलने का अधिकार होता है रुकमराज, और वैसे भी मैं मगध नरेश से शत्रुता नहीं ले सकता। परंतु रुक्मणी हमारी एकमात्र बहन है और उसकी इच्छा मानना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी मगध नरेश के दबाव में आकर हमें अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालक हो रुक्मरथ, ना तो तुम्हें राजनीति की समझ है और ना ही लोकनीति की। रुक्मणी का विवाह वहीं होगा जहां मगध नरेश चाहेंगे, समझे तुम? और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम नहीं सुनना है मुझे। किंतु पुत्र, मैंने अपना निर्णय सुना दिया है और अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रुक्मणी कृष्ण से प्रेम करती थी, परंतु उसका भाई कृष्ण के शत्रु जरासंध का समर्थक था। वह कृष्ण को जीवित देखना भी पसंद नहीं करता था। उसे कृष्ण से अपनी बहन का विवाह करना तो दूर की बात थी, इसलिए उसने अपनी बहन का विवाह छेदी के राजकुमार शिशुपाल के साथ होना तय कर दिया, जो रावण का अंशावतार था।